कैसा सुंदर दृश्य है ये, कैसा महानतम प्रयास है ये, विश्व कल्याण। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, leading the nation in the practice of yoga on the occasion of the 4th International Day of Yoga. As the celebrations draw to a close here at the Forest Reserve Institute, Dehradun, one is reminded of Maharshi Patanjali's shloka from the Yoga Sutra. Sanskar Sakshat Karnat Purva Jati Gyanamah. That is, through sustained focus and meditation, we can gain knowledge and liberate ourselves from the past and live more freely and fully in the present. Isn't that something that we are all striving towards? And the key to an expanded consciousness and a happy and abundant life lies in yoga. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साधकों के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने अगुवाई की इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की और योग किया यहाँ हजारों लोगों के साथ स्फूर्ति और नई ऊर्जा से भरे हुए साधक और भी प्रसन्न हैं अपने बीच माननीय प्रधानमंत्री को पाकर देश के कोने कोने में और दुनिया भर में योग के संकल्प का सूर्य आज 21 जून की सुबह उगा है जीवन में योग को जोड़ने का संकल्प दोहराने का एक खास अवसर एक बड़ा ही यादगार दिन These are special moments here for all the people who have come to practice yoga with the Honorable Prime Minister. There are over 50,000 yogis who are present here on this morning, the 21st of June, International Yoga Day. वन अनुसंधान संस्थान का ये परिसर इस समय ऊर्जा से भरा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री सभी साधकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में आस रखने वाले भारत और भारतवासियों ने दुनिया भर में योग के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है One final wave, final goodbye, as the Honorable Prime Minister is escorted towards his limousine. A great day for young enthusiasts of yoga and those who inspire to a good and healthy life. हमारे ऋषियों मुनियों ने असतो मा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गम्य की सूक्ति दी है ईश्वर मुझे असत्य से हटाएं और सत्य की ओर ले चलें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें बार बार के मरण के बंधन से छूटकर हम अमृत को पालें इस जीवन में इस पृथ्वी पर वो अमृत सरिता योग है योग में डूब जाइए शरीर आत्मा और मन को तृप्त कर लीजिए नमस्कार जय हिंद तो ये कार्यक्रम इस वक्त समाप्ति की ओर आपने देखा देहरादून में योग युग यानी कि देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग हम ये कह सकते हैं कि एक घंटा भर पूरा योग किया योगी अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं सुनील सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं योगी अश्विनी एक चीज कम से कम मैंने देखी आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा फिर बताइएगा कि पीएम ने कौन कौन से आसन किए और बताइएगा इसका क्या लाभ है आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कम से कम एक चीज दिखी कि रस्म अदायगी जैसी कुछ वो नहीं थी कि सिर्फ बैठे फॉर्मेलिटी की कुछ मुद्राएं थी वो करके चले गए ऐसा कि जैसे एक योगी योग कर रहा है
आप ये देखिए कि उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, वो टुगेदरनेस और वननेस की बात कर रहे हैं, फ्रॉम मी टू वी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बोलना तो बड़ा आसान होता है, एक पॉलिटिशियन खड़े होकर स्टेज पे लेक्चर दे दे बहुत ही आसान होता है, पर ये सराहनीय है चीज़, ये कि एक एफर्ट जा रहा है उसके पीछे मी को वी करने के लिए। तो एक अंदर से जो आ रही है, जैसे आप देखा वज्रासन में कितने लंबे समय तक बैठे रहे, अब 65 प्लस ईयर का आदमी इतने समय तक वज्रासन में बैठा रहे, कब मुश्किल है इतने वजन वाला। तो इट्स एन एफर्ट, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि ये विश्व स्तर पे एक वो नायक बन के इसको विश्व स्तर पे लेके जा रहे हैं योग के विषय को, जिस जो उनकी पूरी की पूरी जो उनकी वेशभूषा है, जो उनकी मुद्रा है, जो उनका के जो अपने मुखमंडल पे जो उनकी हावा है, ग्लो है, वो एक तरफ ही लेके जा रही है कि हमारे को हर किसी को ये दिखा रही है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिस वक्त जो आसपास बैठे थे योगा कर रहे थे, सुनील सिंह इसमें आप भी ऐड कीजिएगा, कि अश्विनी जी बहुत अच्छे से उन्हें डिफाइन कर पा रहे थे कि कौन रोज करता है योग या फिर कौन नहीं करता। शक्ल की आभा बताती है, चेहरे से पता लग जाता है, शक्ल की आभा जो होती है ग्लो होती है, तो एकदम से वो बताती है जो इंसान रोज करने वाला है। जयप्रकाश जी बैठे हैं रोज करते हैं, इनको देख के सुनील जी रोज करते हैं, डॉक्टर साहब रोज करते हैं, तो ये दिखता है कि इनको किसी मेकअप या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वैसे जो लोग बैठे कर रहे थे वो, जैसे अब जो ये धनाश्रम की लड़कियां कर रही हैं सब अपनी प्लस 35+40 टच कर रही हैं, तो इनकी शक्ल पे जो ग्लो और आभा है वो निशानी होती है, सर्कस नहीं निशानी होती। इसमें सुनील जी ऐड करेंगे, लेकिन हम क्योंकि सियाचिन की चोटी दिखा रहे हैं, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन वहां पर भी योगा किया जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार दर्शकों को बता दें, कुछ इसी तरह की चोटी पर केदारनाथ से ऊपर योग का रिकॉर्ड अश्विनी जी भी बनाने वाले हैं, वो भी यहाँ से रवाना होने हैं कल सुबह सुबह। हम 100 लोग जा रहे हैं केदारनाथ जी से ऊपर जाएंगे, पहाड़ से ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जो वन है वहाँ पे हम लोग हफ्ता 10 दिन रह के इसको सेलिब्रेट करेंगे योग दिवस को, तो हिमालय में। हाँ, ये कोटा की तस्वीरें आ रही, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए वहाँ के अधिकारी मौजूद हैं, और ये कहा गया था कि कोटा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, इतने योगी एक साथ होंगे, इतने योगी एक साथ अभ्यास करेंगे, और वो हुआ। गौरव जी, और एक और रिकॉर्ड सुनील सिंह भारत के नाम, हमारे यहाँ के कमिश्नर। देखिए बहुत अच्छी बात है कि एक रिकॉर्ड और बना, इनफैक्ट हमारा जो मूलभूत उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, जैसा कि योगी अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री को उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक मैसेज कन्वे किया अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं स्वतः 65 प्लस है, मैं निरंतर योग का अभ्यास करता हूँ। वज्र आसन में एक व्यक्ति में देख रहा था, निरंतर वो बैठे हुए थे, सारी क्रियाओं को परफॉर्म कर रहे थे। एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया, आई आर वी वाला जो मैसेज आप बता रहे हैं बहुत अच्छा दिया। सेकेंडली मैं समझता हूँ जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, इस तरह के अगर बॉडी लैंग्वेज पे मैसेज कन्वे करता है तो नीचे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। अब योगी जी ने बात कही कि कुछ लोग ऐसे थे जो उनके हाव भाव से देख के लग रहा था वो पहली बार योग कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में एक बात जरूर एड ऑन करना चाहूँगा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सजान, रसरी आवाज जात के सिलपट पर निशान। तो जो आज आ गया है आने वाले वक्त में वो निरंतर इसका अभ्यास करेगा और वो लाभान्वित होगा। ठीक है, हम जल्दी उस वापस उस क्रिया पे आते हैं जो हमने कहा था कि आपके लिए हम सिर्फ यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे, एक एक योग भी दिखाएंगे, कुछ ऐसे आसन भी बताएंगे। आप ऑफिस जाते हैं मेरी तरह, सुबह उठ के आते हैं, कई बार रात को लेट चले गए, वक्त नहीं मिलता, ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को दरकिनार करके कौन से ऐसी कमाल की ट्रिक्स हैं जो हम पिछली बार भी हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर भी हम करके बताएंगे। हमारे साथ योगी मौजूद हैं, वो कैसे की जा सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब ये जितने जैसे व्रजासन किया, उसके बाद प्राणायाम हुआ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, इसके मेडिकल बेनिफिट जो है क्या सच में होते हैं, बहुत ये डबल इफेक्ट करता है विद द मेडिसिन और विदाउट द मेडिसिन? जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बीमारियाँ क्यों, एक्चुअली उसका आरंभ कैसे हो जाती है, तो उससे हम शुरू करते हैं। तो अब आप हर घर में देखिए कि एक्चुअली तीन या चार प्रॉब्लम्स तो यूजुअली स्टैंडर्ड होगा हर घर में। एक होगा जॉब की इनसिक्योरिटी, एक होगा रिश्ते का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम जो बोलते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी बात एक एक बार क्या होता है कि पति और पत्नी में झगड़ा विदाउट एनी रीजन, ईगो जो बोलते हैं, मतलब कोई बिना कारण कोई वो झगड़ा करते हैं, और इट बिकम्स वो इतना सीवियर हो जाती है कि वो इट एंड्स इन अ ब्रेकअप। तो ये क्या हो जाता है कि ये सब होने से हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स की गिनती है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो बोलते हैं, उसकी गिनती बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एड्रिनल ग्लैंड जो है, जो किडनी के ऊपर स्थित है, वो इट इज सिचुएटेड अबव द किडनी, तो वहाँ हॉर्मोन्स हैं, एक है कॉर्टिसोल
और एक है एड्रेनल मेडुला जो सेक्रेट करती है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। तो इसका कंट्रोल सीधा दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, तो वहाँ से सिग्नल्स यहाँ आ जाती है। तो रूट प्रॉब्लम इज इमोशनल कंजेशन, जो फैमिली प्रॉब्लम्स में जो जो घर में हो जाती है, तो उसकी वजह से हार्मोन्स की गिनती जब बढ़ जाती है तो डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, प्रेशर की बीमारी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और ये सब डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने की वजह से उसका असर सीधा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मतलब पेट पे, स्टमक पे पड़ती है, और दूसरा दिल की प्रॉब्लम में भी, दिल पे भी पड़ सकती है, ड्यू टू विच यू कैन ईजिली गेट अ हार्ट अटैक। और ये बावल डिजीज़ भी बहुत कॉमन हो जाती है। अभी मैं एक अनुभव बताता हूँ, एक पेशेंट थी 45 इयर्स, तो उन्होंने वो रोज़ मेरे कंसल्टेशन में ऑल एवरी मंथ वंस तो एक पक्का विजिट होती थी, एंड उनको शी वाज प्री मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की बीमारी कुछ नहीं थी, और वो एवरी मंथ चेकअप के लिए आती थी, रोती थी वो हर, क्योंकि घर में विद प्रॉब्लम्स विद दी हस्बैंड कुछ जमती नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने उनको बताया कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, दवा दिया, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। यूजुअली 40-45 इयर्स में फीमेल्स को हार्ट अटैक होना इट इज़ वेरी 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 रेयर अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। तो हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राम हुआ, एंजियोप्लास्टी हुई। तो उसके बाद किसी ने बताया कि आपका डॉक्टर खुद योग सिखा रहे हैं, वहाँ क्लासेस लेते हैं, तो वो आई और उनको वी स्टार्टेड और सनातन क्रिया जो योग अश्विनी जी ने हमने अश्विनी जी से सीखा है उनको हमने सिखाया, और 3 महीने में उनका बॉडी एकदम बैलेंस में हुआ, उनका हार्ट का जो पंपिंग जो पहले कम था वो भी इट बिकेम नॉर्मल। और ये जो आसन और प्राणायाम जो हम करते हैं, तो हमारे शरीर में देर आर डिफरेंट लेवल्स, जब हम ये आसन वगैरह करते हैं हमारे बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, तो इस एड्रेनल ग्लैंड पे असर पड़ती है, और दीज हार्मोनल लेवल्स जो हम बोलते हैं वो एकदम बैलेंस में आ जाती है। देखिए, तो आपने अब देखा कितने कितने बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका इससे सिर्फ फिजिकलिटी जिसे कहते हैं कि शारीरिक तौर पर लाभ होगा, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपकी सेहत आपके शरीर से ही जुड़ी हुई है, और तमाम जिसे डिप्रेशन कहिए, तनाव कहिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस हम कहते हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे अफेक्ट करते हैं, और योगा से मेडिकली उसे कैसे क्योर किया जाता है। मैं आ रहा हूँ उस तरफ जिसके आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी वो बताइए कौन कौन से ऐसे टिप्स होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं रुक कर लेता हूँ। नित्यानंद हमारे साथ बांद्रा से मौजूद हैं, महिमा हमारे साथ मरीन ड्राइव से लगातार बनी हुई है, कोटा से हिमांशु मित्तल मौजूद हैं, और आचार्य प्रतिष्ठा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुबह से आपका इंतजार हो रहा था, गुड टू सी यू। सबसे पहले कोटा, हिमांशु, तो रिकॉर्ड आखिरकार बन ही गया, रिकॉर्ड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा था कि हम इकट्ठे इतना होंगे, जोश ही इतना था कि रिकॉर्ड तो हम बना करेंगे, और हुआ वही। और भी बुला लीजिए उधर लोगों को, लाइव है डायरेक्ट, अब खड़े रहो आप इधर ही, थोड़ा आगे आओ। उसने आखिरकार जो खिताब है सबसे बड़े योग का वो कोटा के नाम कर दिया है, कोटा के आरएसी ग्राउंड से ये इतिहास रच गया है। सामने देख सकते हैं कि लंदन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम, योग गुरु बाबा रामदेव, और इसी के साथ में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, और देख सकते हैं कि इसी के साथ में वो सर्टिफिकेट जो कि योग में अपने आप में सबसे बड़ा है, सबसे बड़े योग का है, और कीर्तिमान इसी के साथ में कोटा ने यहाँ पर रच दिया है, वो सर्टिफिकेट कोटा के नाम हो चुका है, सबसे बड़े योग का, एक साथ सबसे बड़े योग का, बड़ी तादाद में सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल हुए वो कोटा के आरएसी ग्राउंड में हुए, और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इतिहास, वो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोटा के नाम पर दर्ज हो गया है, सर्टिफिकेट कोटा को दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि करीब जो मॉनिटरिंग हुई थी, 40 मिनट की मॉनिटरिंग हुई थी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने की थी, यहाँ पर बार कोडिंग के जरिए यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी एंट्री की गई थी, तो एक्यूरेट डाटा रहे उसमें, पूरी तरह से एक्यूरेसी रहे, उसकी भरपूर कोशिश की गई थी, अलग अलग जो ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे और स्टिल कैमरे यहाँ पर लगवाए गए थे जिनसे अच्छा मैं एक बार बता दूं दर्शकों को कि ये जो दूसरी तस्वीरें आ रही वो भी हम बता दें, ये रोहतांग पास की तस्वीरें हैं, पीछे से हिमालय, बर्फ से ढका हिमालय दस्तक देता हुआ, सूर्य उदय और उसके साथ ही योग का कार्यक्रम, ठीक है। तो अब इस वक्त मुझे जो है ये अबाउट सी लेवल भी मिल गया, 13,200 फीट पर ये योगा इस वक्त किया गया है, ये टीम मौजूद है,
और योगासन, अब इसी से अंदाजा लगा जा सकता है। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो उत्साह है, ये अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि 21 तारीख के डेडिकेट कर दी, बल्कि भारत उसे लीड किस तरीके से कर रहा है। अगर ये भारत का इनिशिएटिव था, बाकी सब देशों ने इसे 171 से ज्यादा देशों ने अगर समर्थन दिया और इतने बड़े थंपिंग मेजोरिटी से ये आगे बढ़ा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत की तस्वीरें ही पूरे विश्व को ये बताने के लिए, ये जगाने के लिए, दिखाने के लिए काफी है कि योग है तो हम हैं, योग है तो काया निरोग है। आचार्य प्रतिष्ठा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आचार्य प्रतिष्ठा, यू मस्ट बी रियली हैप्पी, जब पहली बार आप, जब बात उस वक्त आप किया करती थी कि योग दिवस की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए दिन, जिस दिन एक दिन, हालांकि हम रोज करते हैं लेकिन एक दिन योग होना चाहिए, वो शुरुआत भी हुई, वो आगे भी बढ़ा। आज तो देखिए क्या तस्वीरें, क्या अद्भुत तस्वीरें आती हैं। महिमा, मरीन ड्राइव से लोग कुछ ट्वीट भी कर रहे थे, मैं देख रहा था, वो ये कर रहे थे कि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं लेकिन आज वहां इंतजाम किया हुआ है, लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग इस बात को लेकर के बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, चलिए सुबह सुबह के वक्त हम अकेले मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, पूरी जैसे मुंबई जगी हुई है। बात करें तो ये तकरीबन एक घंटा भी चला है और हमारे साथ ये लोग मौजूद है जो ये खुशी एक जाहिर करना चाहते हैं कि इन्हें कितना अच्छा लगा आज के दिन ये योगा करके। कैसा लगा आपको आज योगा करके? योगा करके बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा एवरी एंड ऑफ द मंथ में यहाँ आते हैं, एवरी संडे को जायंस की तरफ से शाइना इंशी जी ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और ये करके हमें बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है उस दिन के लिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आज के दिन योगा करिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है योगा हमारे लाइफ में? हेल्थ के लिए जो भी कर रहे हैं, आज 4 साल से होता है, हर महीने के लास्ट संडे पे यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं और कम से कम लोगों में अवेयरनेस आया है कि महिमा मैं वापस आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक टिप, जिस तरीके से मैं कहता हूँ 10 सेकंड में कोई टिप आप बता सकते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, या फिर जैसे मैं बैठे ही हुआ हूँ कुर्सी पे, अगर मेरे को कोई आपके टेलीविजन देख रहे हैं बैठे हुए हैं, क्या करें 10 सेकंड में? अभी इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं ऐड कर दूंगा उसके बीच में, अगर यहाँ से सीधा लाइन खींचते पीनियल ग्लैंड होता है, तो मेलाटोनिन सीक्रेट और बहुत ही सीक्रेट आपकी शाम को, सेरोटोनिन होती है सुबह, विच आर कॉल्ड बेसिकली एज हॉर्मोन्स, वो सेक्रेशन रुक जाती है इंसान की 18-20 साल के बाद। सिंपल तरीका है, अपने हाथ लीजिए, यहाँ रखिए, ये सारी की सारी नसें बंद कीजिए, सारी की सारी नाड़ियाँ हैं, ये कान बंद किए, ये आपने ये जो आपके यहाँ से जो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर निकलती है, ब्रह्मरंध्र होता है, इसको बंद कीजिए और सात बार करिए इसको आप, अगर और आपका शरीर इससे चमक जाएगा, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन दोनों सेक्रीशन जो रात और सुबह को होनी चाहिए, जब करेंगे दोनों होंगी तो बॉडी विल लुक एज ग्लोइंग एज ब्यूटीफुल मे बी व्हाटएवर योर एज माइट बी, आप अपनी जो जब तक श्वास आपका चलेगा तब तक आप यंग रहेंगे, यानी कि हमें मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी।